नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा सिक्स ऐसे इम्पॉर्टेंट पीडी टास्क जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनमें कोई टेम्पलेट्स कुछ ऐसा नहीं है जो आपको रट के जाना है, बट क्योंकि वो सिक्स टास्क हाईली और हेविली इंटीग्रेटेड सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेटेड है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट अपने आप बन जाते और सारे सिक्स टास्क में आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी ही करनी है। तो आज मैं आपको उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, टाइम टेबल भी शेयर करूंगा कि उनमें कैसे आपको प्रैक्टिस करके आप कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो खुद से। नंबर वन सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो शुरुआत में आता है टेस्ट के, वो है रीड अलाउड। ये स्पीकिंग का ऐसा टास्क है जो आपके स्पीकिंग और रीडिंग दोनों में बहुत नंबर देगा। कम से कम 6 to 7 टास्क क्वेश्चंस आएंगे ये टास्क के, और ये टास्क ऐसा है जिसमें मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि वन लाइन स्ट्रैटेजी का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, खास करके अगर आपका टारगेट स्कोर थोड़ा हाई है, 65 ईच या 79 ईच या ज़्यादा है, तो ये वन लाइन स्ट्रैटेजी का प्लीज़ उपयोग ना करें। ये मेरे ऑनेस्ट सजेशन है आपके लिए। अब ये ऐसा टास्क है जिसमें आपको फ्लुएंसी बनाए रखनी है, वर्ड्स पे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं करना है, जितना हो सके स्मूथली कॉन्फिडेंस से बोलना है। जितना स्मूथली कॉन्फिडेंस से आप बोलोगे उतना अच्छा स्पीकिंग और रीडिंग में नंबर आएंगे। अगर कोई वर्ड मुश्किल है तो उसको स्किप मत करो यार, उसको बस मिमिक कर दो, उसका साउंड निकाल दो मुंह से थोड़े कम वॉल्यूम पर आवाज़ फ्लैट रख के उसको मिमिक कर दो। डेली 7 to 10 क्वेश्चंस करिए रीड अलाउड के, तो बहुत हेल्प रहेगी। और जो भी मुश्किल वर्ड्स आते हैं वो आप गूगल टेक्स्ट टू स्पीच करके सुन सकते हो, तो आपको उसका प्रोनंसिएशन समझ में आ जाएगा। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है रिपीट सेंटेंस। ये ऐसा टास्क है जो आपके स्पीकिंग और लिसनिंग के स्कोर को या तो बना सकता है या तो पूरी तरह ख़त्म कर सकता है। रीड अलाउड से स्पीकिंग और रीडिंग में तकरीबन 20 to 22 पॉइंट्स मिलते हैं, और रिपीट सेंटेंस से स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों में तकरीबन अगेन 18 to 24 पॉइंट्स आते हैं। रिपीट सेंटेंस के 8 to 10 क्वेश्चंस आने ही आने हैं रियल एग्जाम में, और ये लंबे भी आते हैं कभी कभी, कभी कभी बहुत इजी होते हैं। मेन चीज़ होती है फ्लुएंसी, और अराउंड 70 to 80% आपने कंटेंट मेंटेन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। हर एक सेंटेंस में 100% कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है आपसे, जिनके 90 होते हैं उनकी भी 100% एक्यूरेसी होती नहीं है अक्सर, फिर भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बोलते हैं वर्ड्स वो बहुत क्लैरिटी से बोलते हैं, स्मूथली बोलते हैं, और इसमें कोई भी ऐसी वैसी चीज़ ना करे जिससे मार्क्स कम हो जाए, जैसे कि वर्ड्स एकदम से स्किप ना करे, कभी करेक्शन ना करे, रिपीट ना करे, जो बोल रहे हैं फ्लुएंटली बोले, जो वर्ड्स आप भूल गए हो उनका साउंड बस मिमिक कर दे और चालू रखिए, फ्लो बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बल्क प्रैक्टिस करिए रिपीट सेंटेंस की, दिन में 3 बार कम से कम, हर बार 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में 30 to 40 सेंटेंसेस नॉन स्टॉप, आंसर चेक करें बिना, ये बहुत मैटर करेगा। आपको आंसर चेक नहीं करना है, आप चाहो तो विजुलाइज करो, जब ऑडियो सुन रहे हो तो आंख बंद करके सुनिए, सेंटेंस को समझिए और मेन वर्ड्स पे ही फोकस करिए। इन, ऑन, इज, आर, ये वर्ड ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, ग्रामर उतना मैटर नहीं करता रिपीट सेंटेंस में। 80% एक्यूरेसी बनाए रखनी है, मेन वर्ड्स का सीक्वेंस सही होना चाहिए। नेक्स्ट टास्क मैं बात करूंगा रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स जो है ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स। रीडिंग सेक्शन का फर्स्ट टास्क होता है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए। तकरीबन 20 पॉइंट्स आने ही हैं रीडिंग और राइटिंग दोनों में। राइटिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि ग्रामर चेक होता है आपका, इसलिए। अब रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स इंप्रूव करना है तो फिर आप जब क्लिक करते हो ऑप्शंस देखने से पहले, उससे पहले ही सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझने की ट्राई करिए। ब्लैंक के पहले और बाद में कौन से वर्ड्स है वो ज़रूर देखिए, और टेंस कौन सा है, पास्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, ईडी है, आईएनजी है। जनरली सेम लाइंस और सेम सेंटेंसेस में अगर ब्लैंक होते हैं तो टेंस वही सेम रहेगा। अगर पिछले वाला पार्ट पास्ट टेंस में है तो ये वाला भी पास्ट में ही अक्सर रहेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़ प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क है रीडिंग ब्लैंक्स जो है ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स। ये टास्क रीडिंग के लिए बहुत मैटर करता है, 18 to 25 पॉइंट्स आउट ऑफ 90 रीडिंग स्कोर में दे के जाएगा ये वाला टास्क रीडिंग ब्लैंक्स का। और रीडिंग और रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स दोनों इकट्ठे अप्रॉक्सीमेटली 35 to 38 पॉइंट्स रीडिंग में देंगे ही देंगे आपको, अगर सारे एक्यूरेट है तो। मेन चीज़ है टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मीनिंग है कि अगर 5 ब्लैंक है हर एक क्वेश्चन में, तो
तो 4 out of 5 करेक्ट होने ही चाहिए, उसको हम कहेंगे 80% कंसिस्टेंसी। अगर आपको 8 से ज़्यादा स्कोर लाना है, अगर आपको 7 लाना है यानी कि 65 ईच लाना है आपके नर्सिंग रजिस्ट्रेशन या कोई और रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फिर आपको मिनिमम 70% एक्यूरेसी तो रखनी ही है। मतलब कभी कभी 3 out of 5 सही है, कभी 4 out of 5, तो एवरेज हो जाएगा 70%, 60 और 80 के बीच। अब रीडिंग ब्लैंक्स और रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स के 3 मेन पिलर्स होते हैं जिस पे पूरा बेस और फाउंडेशन बना हुआ है ना, हमारी इमारत जिस पे खड़ी है। सबसे पहला एकेडमिक कोलोकेशन। पीटी ने खुद एकेडमिक कोलोकेशन की लिस्ट दी है जिसमें से अक्सर वर्ड्स आते हैं। अगर आपको नहीं पता कोलोकेशन क्या है तो आज ही गूगल करिए पीटी एकेडमिक कोलोकेशन लिस्ट, आपको लिस्ट मिल जाएगी। वो वर्ड्स समझिए और याद रखने की कोशिश करिए। उसमें 2 वर्ड्स होंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2। जनरली नाउन या तो एडजेक्टिव नाउन की पेयर्स होती है, या तो एडवर्ब और वर्ब भी हो सकते हैं, जैसे कि एकेडमिक रिसर्च, एकेडमिक जर्नल। तो एकेडमिक वर्ड के साथ कौन सा नेक्स्ट वर्ड आ सकता है वो आपको पूरा पता चल जाएगा। बहुत बार पीटी इन्हीं में से रियल ब्लैंक्स देता है एग्जाम में, इसलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैटर करती है ग्रामर के रूल्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं टोटल 8, तो ग्रामर के रूल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपके क्लियर है माइंड में तो आपका बहुत इजी हो जाएगा सफ़र। पीटी में रीडिंग अच्छा स्कोर आप ला सकते हो। डेली 15 ब्लैंक्स रीडिंग राइटिंग के, 30 मिनट्स का टाइमर लगा के करिए, यानी कि हो गए टोटल 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। 30 मिनट्स के बाद रिलीजियसली टाइमर ऑफ कर दीजिए और फिर आपका स्कोर चेक करिए, जिस तरह से मैंने कहा कितने राइट आउट ऑफ टोटल, जैसे 3 out of 5, 4 out of 5। और एक 10 क्वेश्चंस का आप लिख दो या तो 15 क्वेश्चंस का आप लिख दो और बाद में आप चेक करो आपकी एक्यूरेसी क्या है। अगर 80% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, जैसे 50 है टोटल ब्लैंक्स और उसमें से 40 सही है, तो बहुत अच्छी बात है, आप 8 ला सकते हो। अगर 70% है, मतलब 35 से ज़्यादा है, तो फिर आप 7 और 7.5 ईजिली ला सकते हो। तो इस हिसाब से आप काउंट करिए। वैसे ही आपको रीडिंग ब्लैंक्स भी प्रैक्टिस करना है 2 मिनट्स का टाइमर लगा के, पर हर एक आंसर ऐसे चेक मत करो। एक करने के बाद 5 to 10 ब्लैंक्स इकट्ठे आप सॉल्व करो, फिर आप चेक करो और समझो कि गलतियाँ हो क्यों रही है और कहाँ हो रही है। अगर गलतियों के आप समझोगे ही नहीं तो फिर से वही गलतियाँ रिपीट होने ही वाली है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो रिपीट ना करें। अब नेक्स्ट मैं बात करूँगा जो टास्क है वो है लिसनिंग ब्लैंक्स। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा टास्क है जिसमें बहुत नंबर कट जाते हैं अगर गलत स्पेलिंग हो, या तो आप छोड़ते हैं अनअटेम्प्टेड ब्लैंक तो भी नंबर गिर जाते हैं। तो गलत में भी नंबर कटने हैं ज़्यादा, अगर आप छोड़ दोगे विदाउट अटेम्प्ट किए तब भी कट नहीं है। ये सब लिखा नहीं होगा पीटी स्कोर कार्ड में जो मैं बता रहा हूँ, पर ये मेरे एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से बोल रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं खुद ही पढ़ा चुका हूँ और मेरी टीम भी पढ़ा चुकी है, तो आप समझिए कि हर चीज़ आपको पीटी के गाइडलाइन में नहीं मिलेगी, पर पेनल्टी होती है, मार्क्स कटते हैं। तो लिसनिंग ब्लैंक्स की जितनी हो सके ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, दिन के 20-30 ब्लैंक्स तो करने ही करना चाहिए। और एक बहुत अच्छी वेबसाइट बताऊँगा, द साइंटिफिक अमेरिकन। ये वेबसाइट पे से कई बार पैसेजेस के टेक्स्ट और ऑडियो लिसनिंग और रीडिंग के एक्चुअल पीटी क्वेश्चंस में आ सकते हैं। फिर दूसरी एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है द गार्डियन, उसमें से भी आर्टिकल्स आते हैं। फिर ABC न्यूज़ है, उसमें से भी आ सकते हैं। तो आप ये पढ़ने की, या तो पॉडकास्ट जो इनके ऑडियो चैनल्स होते हैं फ्री में होता है बहुत कुछ, तो यूट्यूब आप जाओ आपको सब फ्री में मिलेगा। आप समझिए, सुनिए, पढ़िए, ये सारी वेबसाइट्स पे से आपको काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस है। और लिसनिंग ब्लैंक्स ही जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं टाइप करके प्रैक्टिस करें। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिसनिंग ब्लैंक्स होते हैं वो आप हमारी प्रेडिक्शन फाइल में भी पाओगे, पैसेज होते हैं PDF के, प्लस हम यूट्यूब चैनल है हमारी A1 ऑस्ट्रेलिया PT IELTS NATI, A1 ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन ग्रुप नाम से यूट्यूब पर, तो वो भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। उस पर हम सारे मॉक टेस्ट लगाते हैं, सेक्शन वाइज फुल मॉक टेस्ट हर वीक लगाते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट टास्क भी हम अपलोड करते रहते हैं। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क PTE का होता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, जो एग्ज़ाम के एंड में आता है। इसके 3 to 4 क्वेश्चंस आने ही आने हैं और इसमें आपको 100% एक्यूरेसी बनाए रखनी पड़ेगी। आप चाहे 7 ही चाहते हो, 8 ही चाहते हो, जो भी चाहते हो, इस टास्क में ज़्यादा टिप्स टेक्निक्स, मतलब आप सॉफ्टवेयर को ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत रिस्की होता है। तो होता है कि सेंटेंस सुनना है, सुनते सुनते मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप शॉर्ट में टाइप कर दें। जैसे मान लो एनवायरनमेंट वर्ड है तो ENV लिख दो, द एनवायरनमेंट इन द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी पोल्यूटेड, ये मान लो सेंटेंस आता है। तो T आपने टाइप कर दिया स्पेस करके ENV, फिर इन तो आप कर सकते हो,
ध का टी कर दिया, वर्ल्ड का डब्ल्यू, इज वी का वेरी का वी, पल्यूटेड का PUL और टुडे का टी। और क्विकली इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में टाइप करना है, फिर चेक करना है। और जब चेक कर रहे हैं तो बोल बोलते ही रहो उसको नॉन स्टॉप, सॉफ्टली, बहुत लाउडली नहीं, पर अपने जहन में, मतलब इन योर माइंड, कीप ऑन रिपीटिंग इट, यू नो, द एनवायरमेंट इन द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी पोल्यूटेड, द एनवायरमेंट इन द वर्ल्ड टुडे। तो आप जब ये बोलते रहोगे ना चीज़, तो आपकी ब्रेन आपको ये भूलने नहीं देगा। तो उसको टाइप पूरा कर लो, फिर स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटलाइज करना है, फर्स्ट इनिशियल, और एंड में फुल स्टॉप नहीं बोलना है। ग्रामर चेक करना है, सही होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये टिप्स देते हैं, मशवरा देते हैं कि आप एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख सकते हो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में, कुछ नहीं होगा। मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स बिल्कुल नहीं ऐड करने चाहिए। जो सेंटेंस लिखा है वही लिखो, एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करके भी अगर आपके लिसनिंग और राइटिंग में अच्छा स्कोर आ गया तो आपकी किस्मत है, बाकी मेरे हिसाब से ऐड बिल्कुल नहीं करने चाहिए। 100% एक्यूरेसी होगी तो PT में 8 लाने के या 9 भी आने बहुत आसान हो जाएंगे। लिसनिंग ब्लैंक्स और राइट फ्रॉम डिक्टेशन, सिर्फ ये दो टास्क मिला के लिसनिंग और राइटिंग में 35 नंबर आपको कंट्रीब्यूट करेंगे। तो दैट इज़ वाई दीज टू टास्क आर रियली इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बात की राइट फ्रॉम डिक्टेशन की। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है? बल्क प्रैक्टिस, 10 सेंटेंसेज एट अ टाइम, देन चेक ऑल 10 आंसर्स टुगेदर। डोंट डू वन एंड चेक वन, दैट इज़ नॉट द राइट वे फ्रेंड्स। डू बल्क प्रैक्टिस, दैट इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव राइट फ्रॉम डिक्टेशन वेरी क्विकली। ऑल्सो जो सेंटेंसेस हमारे प्रेडिक्शन फाइल में दिए हुए, आप हमारी वेबसाइट पर फ्री पे भी एक्सेस कर सकते हो। oneaustraliagroup.com पे प्रेडिक्शन फाइल अवेलेबल रहती है हर मंथ की। वो लिसनिंग ब्लैंक्स और राइट फ्रॉम डिक्टेशन के जो सेंटेंस और वर्ड्स होते हैं ना, लिसनिंग ब्लैंक्स के वर्ड्स और राइट फ्रॉम डिक्टेशन के सेंटेंसेस, वो पढ़िए मत, उसको टाइप करके प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आप टाइप जब करोगे तो मेमोरी अलग होती है, वो दिमाग में चीज़ उतर जाएगी और आप समझ के याद रख पाओगे, सिर्फ पढ़ोगे ना भूल जाओगे। उसी तरह मेरा ये सजेशन है, जो एकेडमिक कोलोकेशन की लिस्ट है PT की, वो आप टाइप कर दो, टाइप या तो प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दीजिए, 40 पेज का डॉक्यूमेंट है। सोने से पहले उसको रोज़ थोड़ा पढ़ा करिए। वो चीज़ें जितनी आप पढ़ोगे ना, आपको लाइफ में भी हेल्प होगी। क्योंकि वो चीज़ ऐसा था नहीं सिर्फ PT में हेल्प करेगी, इन जनरल भी बहुत हेल्प करेगी आपकी लाइफ में, डेली इंप्रूवमेंट लाएगी, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश दोनों में। बाकी हम कोचिंग तो देते ही हैं, ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, PT, IELTS एकेडमिक, IELTS जनरल और नाटी CCL का, बहुत सारी लैंग्वेजेस में, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, सिन्हालीस। और हम हैं मेलबर्न में बेस्ड, मेलबर्न विक्टोरिया में हमारा हमारी ब्रांच है जो काफ़ी अच्छी है। तो आप फेस टू फेस क्लासेस चाहो तो वो भी लगा सकते हो। मैं हूँ मालकम, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है, और फॉलो ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।